आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप डेली हंट क्रिएटर बन के आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं दिखाऊँगा किस तरीके से आप डेली हंट का क्रिएटर बनेंगे और उस पर आप अच्छी अच्छी पोस्ट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको कैसे डेली हंट का क्रिएटर बनना है, कैसे उस पर पोस्ट करना है, कैसे इसे अर्निंग करना है, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेली हंट का क्रिएटर बनकर पैसा कमाने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप डेस्कटॉप से किसी से भी कर सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं और फेसबुक से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम गूगल से कर लेते हैं। तो गूगल के थ्रू हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर वेरिफिकेशन करना होगा। देख रहे हैं कि अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। अब देख रहे हैं कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, वो डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। तो मेरे केस में आ गया है। आप भी आपका अगर आपका भी अपना केस में आ जाएगा तो यहाँ पर आप अपना डाल दीजिएगा। डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ वेरीफाई पर ओके कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुली इसमें लॉगिन हो चुके हैं और आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होके आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके आप पोस्ट को क्रिएट करेंगे। जितना भी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे जो डेली हंट एप्लीकेशन और वेबसाइट में भी शो होगी और साथ ही आप यहाँ भी देख पाएंगे कि आपने कितनी पोस्ट क्रिएट की है। लेफ्ट साइड में यहाँ क्या आप अपना यहाँ एनालिटिक्स देख सकते हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि कितना फॉलोअर्स हुआ है, कितना पोस्ट आप किए हुए हैं, कितना व्यू आया है, कितना कमेंट आया है, कितना शेयर हुआ है, कितना लाइक मिला है। तो यहाँ से जाके आप बहुत ही आसानी से इसको देख सकते हैं। और मैं एक बात बता दूँ, जैसे ही आप इसको पोस्ट कीजिएगा तो आपको वेरीफिकेशन के 30 मिनट या मैक्सिमम 7 डे का भी टाइम लग जाता है। अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है तो यहाँ क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके से बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आप किस तरीके से पोस्ट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसा आर्टिकल है, मैं आर्टिकल पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना पोस्ट लिखना चाहता हूँ कि मैं पोस्ट लिखूँगा यहाँ पर कि अभी जो बिहार में जो BRU यूनिवर्सिटी है उसमें जो मार्कशीट है उस पर फ़ोटो अलाउ कर दिया गया है, जो पहले नहीं था। तो वह अब मार्कशीट है वो उस पर फ़ोटो अलाउ कर दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पे वो अपना वो फ़ोटो भी डाल सकते हैं या कुछ और अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग कर देता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पर टाइपिंग कर दिया हूँ कि घर पर रहे या विदेश अपने पते पर कुरियर से पहुँच जाएगी डिग्री। अब यहाँ पे हम अपने पूरी पोस्ट टाइपिंग करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपका इटैलिक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपका अंडरलाइन का ऑप्शन दिया है, कॉमा का ब्लैक क्विट का ऑप्शन दिया गया है। ये जो आपका लाइनिंग है, एंगल लेफ्ट है, इसके बाद एंगल सेंटर है, इसके बाद एंगल राइट है, इसके बाद यहाँ पे जस्टिस है। यहाँ पे फोटो आप शेयर कर सकते हैं, इसमें डाल अपलोड कर सकते हैं, यहाँ लिंक द्वारा अपलोड यहाँ लिंक का भी अपलोड वगैरह या एडिट कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि इंसर्ट इनेबल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बुलेट लिस्ट का है, जो यहाँ बुलेट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं नंबर्ड लिस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इंसर्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप बोलिया इस ऑप्शन से आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे एक जो है हेडिंग ऐड करनी है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहाँ के लिए कितना पैसा जो आप डिग्री आपको मिलेगा वो अब कहाँ के लिए कितना पैसा होगा वो वहाँ पर हमको ये हेडलाइनिंग डाल देना है। आप चाहो तो इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो। इसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर दे। यहाँ बोल्ड पर जाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड हो गया, इसको आप बोल्ड कर लीजिए। इसके बाद सिंपली आप इंटर मार दीजिए। इंटर मारने के बाद आपको यहाँ अपना जो हेडलाइनिंग है वो दे देना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे हेडलाइनिंग दे रहा हूँ कि बिहार के जिलों में 200 रुपये, बिहार से बाहर 500 रुपये और विदेश के लिए 1000 रुपये लगेंगे। तो आपको बुलेट देना है इसमें। अगर अलग से और मतलब
नंबर सीरियल टाइपिंग करना है तो बुलेट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पर जाएगा देखिए बुलेट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से बुलेट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप बुलेट इसमें कैसे ऐड करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर कोई नंबर सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर जाता हूँ बुलेट वाले पे और सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए फोर नंबर आ चुका है तो इसके बाद इस साइड में ला के इंटर मारिएगा। जैसे इंटर मारिएगा देखिए फाइव आ गया है। तो अगर आपको अगर और भी टाइपिंग जैसे कुछ करना है यहाँ पे तो इसके करने के लिए आप सिंपली क्या कीजिएगा, अगर आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए तो सिंपली ये देख रहे हैं यहाँ पे इसको आप क्लिक करके हटा दीजिएगा। अगर टाइपिंग कीजिएगा तो ये टाइपिंग होगा और आपके साथ ही बुलेट जो ऐड होके नहीं आएगा। इसको इसी तरह टाइपिंग करने के सिंपली आप इंटर मार देना है और इंटर मारने के बाद जो नीचे आपको कुछ टाइपिंग करना है इसके बाद मैं यहाँ पर आपको जो हेडिंग बताऊंगा जिसके लिए आप वो डिटेल में समझेंगे कि आप जो मार्कशीट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, इसमें क्या सब टर्मिंग कंडीशन है, क्या वेबसाइट वगैरह, तो वो मैं टोटल इसमें आपको यहाँ पर ऐड करके बताऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर स्टेप वन बता देता हूँ पहले। इसके बाद ये देखिए स्टेप वन में मैं लिख दिया हूँ कि छात्रों को कुरियर से उनके पते पर डिग्री व सर्टिफिकेट भेजने का फैसला है। तो सिंपली अगर आप इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं सिंपली इसे सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोल्ड करना तो यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं आप। इसके बाद इसमें कुछ फोटो वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली पिक पर जाने के बाद जहाँ भी फोटो है वहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर अपलोड कर देना है पिक, ठीक है। पिक को अपलोड करने के बाद सिंपली हमको यहाँ फिर से इंटर मार देना है। इसके बाद हमको यहाँ पे सेकेंड स्टेप लिख देना है। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है स्टेप, स्टेप लिखने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से स्टेप लिख देंगे। इसका सिंपली हम यहाँ पे इंटर मार देंगे। इंटर मारने के बाद जहाँ भी पिक है फिर एक अपना पिक यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से आप अपलोड पर जाकर यहाँ से अपना फोटो को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद सिंपली आप फिर से इंटर मार देंगे। फिर आपको यहाँ पर स्टेप थर्ड लिख देना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेप थर्ड आ चुका है। अगर इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपल सेलेक्ट के यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक और फोटो अपना ही मैं ऐड कर लेता हूँ। ये टाइपिंग करने के बाद स्टेप थ्री आप इंटर मार देना है। इंटर मारने के बाद जहाँ ये फोटो है फोटो को यहाँ सेलेक्ट कर, तो इस तरीके से आपको यहाँ फोटो भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्टेप थ्री लिख देना है। इसको पिक लगाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर इंटर मार देना है। इंटर मारने के बाद स्टेप यहाँ पर आपको फोर लिख देना है। इस तरीके से आपको स्टेप फोर लिख देना है। अगर इसको आप बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं इसको। चलिए मैं यहाँ पे स्टेप फोर में यहाँ पे कुछ और लिख देता टाइपिंग कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको टाइपिंग कर दिया। इसको यहाँ पर आप पिक लगाने के लिए सिंपली आप पिक वाले पर जाएंगे, जहाँ भी पिक होगा उसको सेलेक्ट कर, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिंपली ओपन कर देंगे। अब देख रहे हैं कि अब मेरा जो ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही आसान तरीके से इसको फिलअप हो चुका है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से जाना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि पब्लिश पोस्ट बोल रहा है करने के लिए, तो इससे पहले आपको यहाँ पे एक थंबनेल लगाना पड़ेगा। जो भी थंबनेल है तो आपको सिंपली इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके जहाँ भी थंबनेल है वो थंबनेल को उठा के सिंपली आप इस पर लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थंबनेल ऐड कर लेता हूँ। इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं, जिधर भी क्रॉप करना चाहे उधर क्रॉप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्रॉप करके यहाँ क्रॉप ओके कर देता हूँ। आप देखें यहाँ का अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर देखे हैं कि अपलोड हो चुका है। अगर आप चाहे तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ जेनर में चूज कर लो। जेनर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चूज करना है कि आप ये पोस्ट किए हैं वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, आप इस हिसाब से अपना हिसाब से यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अब सब जनर चूज कर लेना है कि आपका सब जनर क्या है, जो भी है यहाँ पे आपको सब जनर जनर यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें लोकेशन ऑलरेडी ऑल आ ही गया है, लैंग्वेज आ ही गया है। यहाँ पे एक आपको हैशटैग लगा लेना है, जिससे आपको हैशटैग लगाने से यह होगा कि आपका जो ये पोस्ट है वो रैंक करेगा और आपको जो भी जितना भी आपको ये जो पोस्ट कर रहे हैं वो देखेगा, तो उस हिसाब से आपका अर्निंग होगी। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो पोस्ट है चूज कर लेना है। अगर आप इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप चूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पेन। देखिए मैं जैसे पेन डाल रहा, पेन कार्ड का यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है। जो भी आप डालिएगा उसमें से ओपन होकर इसमें आ जाएगा। तो आपको इसमें मैक्सिमम 5 करेक्टर रखना है, 5 करेक्टर से ज़्यादा आपको नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 ही एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छा वाला यहाँ पे आपको जो है जो हैशटैग आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ गया कि मैक्सिमम 5 हैशटैग आर अलाउड। यहाँ पर 5 ही है, तो सिंपली आप यहाँ पर आपको 5 ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो सेव कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्टेड। यहाँ पे कुछ आपको गाइडलाइन बोल रहा है, जो गाइडलाइन के लिए यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से अपना देख सकते हैं।
चलिए यहाँ से मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए ये प्रोग्रेसिंग में है, अब देख रहे हैं कि मेरा सैलरी ऑलरेडी सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट हो चुका है, जो आप देख रहे हैं कि मेरा एक यहाँ पे शेयर भी हो चुका है, दो मेरा लाइक भी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ कुछ प्रोफाइल की सेटिंग करना पड़ेगा, तो चलिए मैं यहाँ से प्रोफाइल को सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफाइल वाले पे ओके कीजिएगा, यहाँ माय प्रोफाइल का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका डिस्प्ले नाम जो भी रखना चाहते हो तो अपना ये डिस्प्ले नाम यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना है डिस्प्ले नाम के बाद यहाँ पे आप अपना जो हैंडल है वो भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर भी मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी अपना ही नाम डाल देता हूँ। यहाँ से अपना पिक चूज कर लीजिए, जो ही पिक है तो यहाँ से आपको अपना पिक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पिक क्रॉप करके यहाँ से जितना भी क्रॉप करना है क्रॉप करके यहाँ पर अपना पिक पर क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पर पिक ऑलरेडी आ गया है। अगर आप चाहें तो इस पिक को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना बायो डाल देना है, जहाँ से भी तो आपको 400 करेक्टर में आपको बायो यहाँ पर डाल देना है। तो आपको इस तरीके से 400 में टाइपिंग कर देना है। यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर ऑलरेडी आ ही चुका है, ईमेल आईडी आ ही चुका है, डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर में से यहाँ पर चूज करके डाल सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इसमें से चूज करके डाल लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर चूज कर लेना है, जो भी जेंडर है चूज कर लेना है। लोकेशन आपको जो भी है यहाँ पर आपको लोकेशन डाल देना है। यहाँ पर लैंग्वेज आप चूज कर लेना है, जो भी लैंग्वेज है उसमें हिंदी डाल लेता हूँ, इंग्लिश हिंदी। इसके बाद मैं और यहाँ से चूज कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ नेपाली चूज कर लेता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना लैंग्वेज डाल सकते हैं, यहाँ लिंक अगर डाल सकते हैं, जो भी लिंक डालना चाहते हैं, जैसे फेसबुक का हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम या जिसका भी हो, तो यहाँ पर अपने अपना लिंक डाल सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर फेसबुक का लिंक भी डाल देता हूँ। अगर आपको एक से ज़्यादा लिंक डालना है तो प्लस वाले क्लिक पर आइकन कीजिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक अकाउंट, जो जिसका भी लिंक आप डालना चाहते हैं, या यूट्यूब का हो गया, जिसका भी हो डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है, एक ही डालना है, तो सिंपली यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे, हर जगह यहाँ पर अपना लिंक डाल सकते हैं। तो मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ जाकर पेस्ट कर देना है। आप देखिए यहाँ पर लिंक आ चुका है। इसके बाद ये आपको सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि आई एक्सेप्टेड ये है, तो यहाँ भी जाकर यहाँ पर कुछ ऑप्शन गाइडलाइन है, तो यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर रीड करना है तो यहाँ से जाकर आप इसको बहुत आसानी से अच्छी तरीके से इसको रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद सिंपली यहाँ पर कीजिएगा आई एक्सेप्टेड टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको ये एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी बोला था प्रिया कुमारी डाला था, तो यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका नहीं लेगा, जैसे भी मैं पहले से प्रिया कुमारी का ले चुका है, अगर आपका नहीं ले रहा है तो कोई अदर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ग्रीन टिक लग चुका है, इसका मतलब ये है कि अब ये ले चुका है। इसके बाद सिंपल आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ जाएगा नीचे और यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिएगा। आप देखिए ऑलरेडी आपका ये सबमिट हो चुका है, यहाँ पर सक्सेस भी लिखा के आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ भी आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, अब आपको वेट करना है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल का कोई टाइम फिक्स नहीं है, आपको 30 मिनट में भी हो जाएगा और 7 दिन में भी हो जाएगा, 1 वीक में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपने अप्रूवल का, जैसे ये अप्रूवल हो जाएगा तो अपनी पोस्ट को बहुत ही आसान से पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप शेयर करने के लिए सिंपली शेयर वाले पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ट्विटर, गूगल प्लस, व्हाट्सअप, इसके बाद कॉपी लिंक करके भी कहीं भी इसको कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि मैं इसको भी 11 मिनट हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शेयर भी हो चुका है और 8 यहाँ पे लाइक भी मिल चुका है। तो इस हिसाब से आपका जो शेयर और लाइक मिलता रहेगा, तो आपको वेट करना होगा अप्रूवल के। यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क अप्रूवल पेंडिंग, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो आप यहाँ पर बहुत सारे जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे और इसको आप यहाँ से बहुत ही आसानी से पैसे का अर्निंग कमा सकते हैं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको पैसे जो अर्निंग करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे और इसमें आप बैंक अकाउंट को आप कैसे ऐड करेंगे, तो वो वीडियो मैं आपको अलग से बता दूँगा, वो आप वहाँ से जाके वो वीडियो के देख सकते हैं। आपको कोई नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पोस्ट क्रिएट पे ओके करेंगे। यहाँ से आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं या फोटो एंड गैलरी आपको लिखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली वो भी आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को ये लिंक शेयर करेंगे तो वो कंप्यूटर पे शो अगर देखेगा तो वो ब्राउजर में शो होगा, अगर वो मोबाइल फ़ोन में ओपन करेगा तो इसके न्यूज हंट एप्लीकेशन में ये शो होगी। इसके साथ ही यहाँ पे क्रिएट पे जाके बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कीजिए, वीडियो पब्लिश कीजिए, इमेज और मेमो पब्लिश कीजिए, फोटो गैलरी पब्लिश कीजिए, जितने ज़्यादा आपके व्यूज आएंगे उतने ज़्यादा ही आपकी अर्निंग होगी। तो मैं बता दिया हूँ कि इसमें आप बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा जहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि हम जो डेली हंट के जो ये वेबसाइट है उस पर हम अपना जो बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे।